तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ करनाल के गांव शेखपुरा पे। जी हाँ, मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिन बच्चों को, ग्रामीण बच्चों ने, जिन्होंने इस गांव में बाहर जाकर कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है। जी हाँ, सीधे तौर पर हम बात करते हैं इन बच्चों से। बेटा, क्या नाम है आपका? तेजस। तेजस। तेजस, आपने कैसे गांव का नाम रोशन किया, इसके बारे में आप बता सकते हैं? मैंने अभी इस साल एक विजयवाड़ा में सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले मैंने तिरुपति में सिल्वर मेडल लिया था। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कीर्ति है। जी, मैं आपको जो जो ये सम्मान मिला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी इच्छा है कि मैं अपने गांव का नाम रोशन करूं, बच्चों को पढ़ा सकूं, इसलिए मैं टीचर का कोर्स किया है, स्टेट सर्टिफिकेट क्लियर किए हैं ताकि मैं टीचर बनूं और आगे सही बच्चों को पढ़ा सकूं, जी, जिससे जी वो भी ज्ञान प्राप्त कर सके आगे। जी। आपका क्या नाम है? हाँ जी, नीरज। जी, बीए कर चुकी हूँ, सो मैं चाहती हूँ कि मैं एक टीचर बनूँ, लेक्चरर बनूँ और बच्चों को पढ़ाऊँ और थोड़ा जो भी सोशल वर्क होता है वो करूँ। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुमन है और मैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में समूह सेविका हूँ और गांव की लेडीजों की मदद करती हूँ और उनके उनकी उनकी इच्छा पूछती हूँ कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनके लोन पास करवाती हूँ आगे जाके मैडम से बात करके और उनके लोन पास तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गांव की बच्चियां यहां पर, जिन्होंने अपना नाम, गांव का नाम चमकाया है, यहां पर बच्चे भी खड़े हैं जिसमें पुरुष भी हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सीधे तौर पर मैं बात करवाता हूँ जिन्होंने तीरअंदाजी में बहुत ही अच्छा नाम कमाया है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रिद्धि है, मैं 13 साल की हूँ और मैंने नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में 27 नेशनल मेडल जीते हैं और अभी मुझे हाल ही में करनाल में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। जी। तो आप जो प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे गांव में मुझे सम्मान मिला और मेरा बर्थ हमेशा, मेरा बर्थ शहर का है, गांव में मैं बहुत कम आती हूँ, मुझे आज यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। तो ये जो बेटा, ये आप बताएंगे किस तरीके से जो एक, मैं आपको साफ तौर पर ये तस्वीरों भी दिखा रहा हूँ किस तरीके से इस बच्ची ने, ये आपको दिखाना चाहते हैं। जी, तो आप साफ तो तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे बहुत लायक हैं और काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। इसी लड़ी में और ही बच्चे, जिसे मैं सीधे तौर पर आपसे बात करवाऊंगा। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम रचना है, मैं बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव की हर एक लड़की शिक्षित हो, आगे बढ़े, हर एक चीज़ में आगे रहे। मेरा यही मकसद है कि मेरे गांव की लड़की हमेशा आगे बढ़ती रहे। बहुत अच्छी बात है। इसी लड़ी में ही मैं आपको एक दिव्यांग बच्चे का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने गांव का नाम रोशन किया है। बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ जी, तो ये बोलने में असमर्थ है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा मैसेज है और सम्मानित किया जाता है ऐसे बच्चों को, तो प्रेरणा मिलती है। बेटा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम ज्योति है और मैंने एमए इंग्लिश किया है और अब मैं बीएड कर रही हूँ। तो मेरा मेन मकसद है यही है कि मैं एक अच्छी लेक्चरर बनूँ और एज वेल एज मैं एक गुड सोशल वर्कर भी बनना चाहती हूँ। जी, ताकि समाज सेवा कर सकूँ। जी, यही मेरा उद्देश्य है। आपका क्या नाम है बेटा? सर, मेरा नेम रितु है, मैं गेम में और मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में सेकंड पोजीशन प्राप्त किया खो खो में। खो खो में आपने सेकंड पोजीशन प्राप्त की है, बहुत। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेरणा है और मैं SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में डिस्ट्रिक्ट भी गोल्ड, स्टेट भी गोल्ड था और अभी अभी मैं नेशनल खेल के आई हूँ और मैं 3 नेशनल खेल चुकी हूँ और जिसमें हमारी हरियाणा की पोजीशन अभी तक SGFI में 5th रही है। जी, और अभी मैं इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ और उसकी तैयारी में हूँ ताकि मैं अपने गांव का नाम रोशन कर सकूँ। जी, और हमारे गांव में एक बहुत बड़ी कमी है एक स्टेडियम की, जो हर बच्चे, हर स्पोर्ट्स पर्सन की नीड है यहाँ, जो यहाँ पे है नहीं, और उसी की मांग मैं कर रही हूँ और होपफुली जब ये स्टेडियम यहाँ होगा तो गांव के और भी बच्चे अच्छी तरह से निखर के। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे बहुत ही परिपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं वो अपने गांव का नाम उजागर करना चाहते हैं। और जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरीके से बच्चे डिमांड कर रहे हैं स्टेडियम की, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये वो लायक बच्चे हैं जिन्होंने अपने गाँव का नाम रोशन किया। इसी लड़ी में ही हम बात करते हैं दूसरे बच्चों से।
जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद है जी, और मैं एक स्टूडेंट हूँ जो मैं युवाओं के लिए लगा हुआ हूँ, और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो नशे के छोड़ के और अपने भविष्य के लिए कुछ करें और देश के की सेवा में लगे रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत है। ये जो सम्मान मिला है आपको, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सम्मान बाहर भी बहुत मिले हैं, पर अपने गाँव में जो सम्मान मिलता है उसका कुछ अलग ही महत्व होता है, और मैं अपने गाँव वासियों का और जेपी सर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय कटकर है जी जी, और मैंने स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सर्कल कबड्डी नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता है, और आज हमारे गांव से खालसा में प्रोग्राम आयोजित किया गया था जेपी सर के द्वारा, और वहां पर हमें सम्मानित किया गया, और इस अवसर पर हम बहुत ही खुश। तो इसी लड़ी में ही जैसे कि हमें हमारे संज्ञान में आया है कि समर्पण एनजीओ को चलाने के लिए बहुत ही उन्होंने काफ़ी सालों से एक जो जनता को समय दिया है और सेवा भाव में लगे हुए हैं, तो हम सीधी बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? दिलवार कादियान। सर जैसा कि हमारे संज्ञान में आया है कि समर्पण आप एनजीओ चलाते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य है, नेक भरा कार्य है, सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समर्पण आज से 15 साल पहले हमने इसी धरती से स्टार्ट किया था, हमने गांव से ही समर्पण को स्टार्ट किया था। आज समर्पण देश के विभिन्न कोनों में काम कर रही है। हमारा मुख्य ध्येय है कि हम लोग शिक्षा पे काम करें, पर्यावरण पे काम करें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। आज हम विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, पर्यावरण के लिए भी हमने लाखों पेड़ लगाए हैं, उसके अलावा भी हम रक्तदान पे और आई डोनेशन पे भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, समाज के विभिन्न वर्गों को, स्पेशली जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उन पे जाके हम लोग काम करते हैं, और इस आज अपने गांव में आके, गांव में अपने परिवार से मिलकर, परिवार द्वारा इतना प्यार पाके सब लोग बहुत खुश हैं। स्पेशली नन्ही नन्ही बेटियों को देख के कि वो कितना अच्छा कर रही हैं, बड़ी खुशी होती है, और मैं गांव में और जगपाल भाई का सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। जी तो आप देख सकते हैं किस तरीके से गाँव के वो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने इस गाँव से जाकर बाहर जाकर बहुत ही अच्छा नाम कमाया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और ख़ास तौर से वो छोटी छोटी बच्चियाँ 13-13 साल के बच्चे, जैसे कि ये बच्चा हमें दिख रहा है दिव्यांग बच्चा है ये, और किस तरीके से इसने टेबल टेनिस में स्टेट को भी जीता है और नेशनल को भी जीता है जैसा कि हमें सुनाई दिया। इसी तरीके से इसी लड़ी में ये वो बच्चे हैं, ये वो महिलाएँ हैं जिन्होंने गाँव का नाम रोशन किया। इनको सम्मानित करने के लिए सीधे तौर पर मैं बात करता हूँ जेपी शेखपुरा से। ये जो आपने आज प्रोग्राम आयोजित किया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये साल के आखिरी दिन जो हमारे गांव में कार्यक्रम हुआ है चौपाल में, हम जो हमारे भाई बाहर बिजनेस करते हैं, बाहर से भी आए हैं, पानीपत, करनाल, बहादुरगढ़, दिल्ली, और इसके अलावा उनके दर्शन भी करने थे, और नौजवान पीढ़ी जो युवा पीढ़ी हमारे गाँव की, उनको ये भी दिखाना था कि पंचायतें पहले ऐसे होती थी, समझौता होता था और पंचायत में बातें रखी जाती थी, जैसे आज भी कई समस्याएं सामने आई हैं, और हमारे गाँव का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग थे उनको सम्मानित किया है, हमारे गाँव की जो महिला बुजुर्ग थी उनको भी सम्मानित किया है। इसका तात्पर्य बस यही है कि हमारे गाँव में भाईचारा बना रहे और एक दुख सुख में सभी एक दूसरे के काम आए, और निचली पीढ़ी जो है वो ये देखे भी कैसे कैसे पहले चुपाड़ों में बैठ करके समझौते होते थे, उस तरह से हमारे गांव की पुरानी संस्कृति कार्यक्रम की। आपके गांव में जो ये प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, शुरुआत बहुत अच्छी की है भाई जगपाल ने। इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि सभी एक हो जाते हैं, जो जाति पाति का जहर पूरे देश में फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए पंचायत की गई है, बड़ी अच्छी शुरुआत है। इसमें जाति पाति और धर्म को छोड़कर और खासतौर पर राजनीतिक पार्टियों से दूर रह के सभी एक होकर अपने गांव के सुधार के लिए काम करने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। अभी ये पहले गांव से चलेगा, फिर थोड़ा सा चार गांव को जोड़ के चले, फिर जिले की बात करें तो शुरुआत हमने अपने गांव से की है। बहुत ही अच्छा मैसेज है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सभी वो गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने गाँव के बुजुर्ग महिलाओं को, बच्चों को आज सम्मानित किया। करनाल न्यूज़ 24/7 से विनिवेश की रिपोर्ट।